हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सॉल्ट्स पे। क्या बात करेंगे? सॉल्ट। अब तक हम एसिड और बेस से रिलेटेड सारी बातें मुकम्मल तौर पर पूरा कर चुके हैं। अब मेरे ख्याल से एसिड और बेस से रिलेटेड बातें ख़त्म हो गई। टुडे वी विल टॉक अबाउट सॉल्ट्स। तो शुरू किया जाए सॉल्ट्स। क्या शुरू करेंगे? सॉल्ट्स। जब मैं सॉल्ट्स बोलता हूँ, व्हाट कम्स इन योर माइंड, क्या आता है आपके जहन में? तो आप कहते होंगे व्हेन आई से सॉल्ट, आप कहते हैं जब एसिड को बेस से रिएक्ट कराते हैं। क्या करते हैं हम? व्हेन एसिड इज ट्रीटेड विद बेस यू गेट सॉल्ट एंड वाटर एंड यू गेट एनर्जी, जो हमारा कंसर्न नहीं है। ये तो प्रोडक्ट है नहीं ना भाई, ये एनर्जी है। एनर्जी का एक्सचेंज तो केमिकल रिएक्शन में होना ही है, कहीं एब्जॉर्ब होता है, कहीं रिलीज होता है। बट दिस इज दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यू हैव ऑलरेडी वेरी वेल नोन, आपको ये तो पता ही है। मैं इस पर बात नहीं करूँगा आज। आज मैं शुरू करूँगा सॉल्ट्स अकॉर्डिंग टू NCERT। किस पे शुरू करेंगे हम लोग बात? सॉल्ट। तो सबसे पहला जो हमारा कैटेगरी होगा, इस सॉल्ट की फैमिली को हम लोग समझेंगे कि भाई तुम्हारी फैमिली क्या है, क्योंकि NCERT ने इस पर बात ही कुछ इसी प्रकार किया है। ओके, NCERT के अकॉर्डिंग क्या फॉलो कर रहे हैं हम लोग? मैंने आपको बार बार कहा है, वी आर फॉलोइंग NCERT स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं NCERT को। क्यों? क्योंकि NCERT को जब तक डिकोड नहीं करेंगे, तब तक आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर मोर एंड मोर, तो आपको NCERT को डिकोड करना पड़ेगा। दैट शुड बी योर फर्स्ट अप्रोच फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड एग्जाम्स। ओके, रिमेंबर दिस। चलो, तो क्या हम लोग बात करेंगे? फैमिली ऑफ सॉल्ट। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। इस सॉल्ट्स की फैमिली को समझने के लिए आई एम गोइंग टू राइट सम ऑफ दिस सॉल्ट्स एंड यू हैव टू टेल मी कि इसके फॉर्मूले क्या होंगे। सबसे पहला मैं कुछ सॉल्ट लिख रहा हूँ, कैल्शियम सल्फेट। मेरा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होगा, जैसे मैं रेगुलरली क्लासेस में पढ़ाता हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज आई एम फॉलोइंग NCERT। सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। आई एम राइटिंग ऑल दिस सॉल्ट्स। ऑल दिस सॉल्ट्स नहीं, मतलब जितने सॉल्ट्स हम लिखना चाह रहे हैं उतना लिख रहे हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम फॉस्फेट। ओके, दीज आर सम ऑफ द सॉल्ट्स दैट आई एम राइटिंग हियर। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू राइट देयर फॉर्मूले। चलिए एक मिनट लेते हैं, आप फॉर्मूले लिखें इसके। चलिए चलिए जल्दी लिखें। क्या लिख रहे हैं आप? जल्दी जल्दी। You have to know the ions present in every salt. अगर आप ions जानते हैं, उसके formula जानते हैं, you can write their name. चले, क्या लिख रहे हैं आप? Calcium sulfate. Okay. CaSO4. Sodium sulfate. Na2SO4. Potassium sulfate. K2SO4. Ammonium sulfate. NH4SO4. Ammonium की valency 1, तो इसको 2 तो होना पड़ेगा मेरे भाई। सोडियम क्लोराइड, ये जिसको नहीं पता है, मैं क्या कह सकता हूँ, अब नहीं बोलूँगा कुछ। ओके, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सोडियम फॉस्फेट क्या होगा? Na, हम चलो आयंस मैंने लिख दिया, फॉस्फेट PO4, NaPO4। अब फॉस्फेट की वैलेंसी होती है 3, तो सोडियम मस्ट बी 3, Na3PO4। दीज आर सम ऑफ द सॉल्ट आई हैव रिटन। अब इसमें मैं क्या देखना चाहूँगा कि कैटायंस और एनायंस। इसमें कैटायंस हैं और एनायंस हैं। ओके, अब आप सबको पता है किसी भी सॉल्ट में जो कैटायन आता है वो कहाँ से आता है? फ्रॉम बेस।
और एनायन जो आता है वो कहाँ से आता है, फ्रॉम एसिड। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है बात तो आई विल टेक एन एग्जाम्पल। तो एनायन्स को आप क्या बोलेंगे, एसिडिक आयन, एसिडिक आयन। और कैटायन को क्या बोलेंगे, बेसिक आयन। ऐसा नहीं कि किसी भी आयन की मैं बात कर रहा हूं, दोज आयन्स विच आर प्रेजेंट इन एनी सॉल्ट, तो उस सॉल्ट के जो कैटायन्स होंगे वो किसमें क्या होंगे, बेस से आएंगे, इसलिए उसको बेसिक आयन बोलेंगे। और जो एनायन होंगे वो एसिड से आएंगे, इसीलिए उसको कहेंगे एसिडिक आयन। नाउ लेट्स राइट डाउन देयर आयन्स। कैल्शियम सल्फेट में क्या है आपका, Ca+2, ओके, सल्फेट SO4-2, Na+SO4-2, K+SO4-2। Now, look at these examples, these three examples, first, second and third. आपके पास जो cations हैं, these cations are different, but they are all similar. समझ आई मेरी बात? तो कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट में जो एनायंस हैं, एनायंस आर सेम, इसीलिए इन तीनों को एक ही फैमिली में डाल देंगे। इसको बोलेंगे आप फैमिली ऑफ सल्फेट, फैमिली ऑफ, आई थिंक इट इज विजिबल, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, फैमिली ऑफ सल्फेट। क्या समझ रहे हैं मेरी बात, ये क्या कहलाया, फैमिली ऑफ सल्फेट, दीज सॉल्ट्स आर फैमिली ऑफ सल्फेट। आई थिंक हेयर वुड बी बेटर, यहां ज्यादा हमारे पास स्पेस है, तो ये क्या कहलाया। अच्छा, एनसीईआरटी ने इसको किस तरह लिखा है, लेट मी चेक इट आउट। फैमिली ऑफ सल्फेट, चलिए सेम बात है, यहां लिख देता हूं साफ साफ, फैमिली ऑफ सल्फेट। ध्यान दें, जिसको बहुत तेज तेज पढ़ना है उसके लिए ये सब चीजें नहीं है, मैं स्लो पढ़ा रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, ताकि हर बच्चे इसको समझ सके। नाउ इन सबको देखते हैं। अच्छा, यहां भी तो वही है, अगर आप इसमें देखें यहां भी तो वही बात है। चलिए यहां देखते हैं हम लोग, NH4+SO4-2, तो ये भी उसी कैटेगरी में चला गया। ओके, ये सारे के सारे कैटायंस डिफरेंट है, बट द एनायंस आर सेम, दैट इज वाई ये एक ही फैमिली से आ गया, दैट इज सल्फेट फैमिली के सॉल्ट कहलाए। तो क्या बोलेंगे इसको आप, फैमिली ऑफ सल्फेट सॉल्ट्स। समझ में आई बात, फैमिली ऑफ सल्फेट सॉल्ट, एक सल्फेट सॉल्ट की फैमिली हो गई, उसमें से ये सारे बिलोंग करते हैं। नाउ लेट्स सी दीज सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl, Na+Cl-, सोडियम नाइट्रेट Na+NO3-, सोडियम फॉस्फेट Na+PO4-3। तो ये तीनों हो गए सेम, बट दीज आर डिफरेंट। अब एनायंस डिफरेंट हो गए, बट द कैटायंस आर कमिंग फ्रॉम द सेम बेस, एक ही बेस से कैटायंस आ रहे हैं, बट एनायंस आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट एसिड। यहां पर कैटायंस आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट बेसेस, बट एनायंस आर कमिंग फ्रॉम द सेम एसिड। अच्छा, ये बताएं आप, ये कौन से एसिड से ये एनायन आ सकते हैं, सोचिए सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब कहां से आ रहे हैं, H2SO4 से। ओके, और ये सब कहां से आ रहे हैं, कौन से बेस से आ रहे हैं, NaOH। तो आप किसी सॉल्ट को देख के बता सकते हैं उसमें एसिड कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, मतलब विच एसिड हैज बिन रिएक्टेड विद विच बेस, कौन से एसिड कौन से बेस से रिएक्ट किया है, यू कैन टेल। तो यहां आपको पता चला एनायंस आर सेम एंड दीज एनायंस आर सोडियम, तो आप कह सकते हैं सॉल्ट्स ऑफ सोडियम फैमिली, सोडियम फैमिली। क्या बोलेंगे, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम फैमिली, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम फैमिली। सोडियम फैमिली ऐसे नहीं लिखा गया, एनसीईआरटी में लिखा गया है फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स, तो व्हाई डोंट वी राइट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स। क्या इसको बोलेंगे आप, फैमिली ऑफ, इसको ऐसे लिखा गया फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स।
ओके, तो व्हेन आई राइट सोडियम सॉल्ट्स, मतलब जितने सारे सॉल्ट लिखेंगे आप उसमें सारे के सारे कैटायन सोडियम होंगे. जब मैं सल्फेट लिखूंगा सारे के सारे एनायन क्या होंगे, सल्फेट होंगे. यू कैन मेक मोर फैमिली. तो आपको अगर फैमिली की बात कहा जाए तो फैमिली कौन बताएगा, उसमें प्रेजेंट आयंस. अगर आयन सेम है बिलोंग्स टू द सेम फैमिली. समझ आई मेरी बात? आई थिंक आपको बात आ गई समझ में. अगर अब आ गई बात समझ में तो हम और कुछ समझते हैं, और कुछ समझते हैं. ओके, क्या करते हैं भाई, समझते हैं. अगर मैं बोलूं फैमिली ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट, फैमिली ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट्स हमेशा, इसमें जो एसिड यूज होगा वो हमेशा HNO3 होगा. ओके, दैट इज नाइट्रिक एसिड. इसमें आपको बेस कुछ भी मिला सकते हैं, आइदर यू रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड. यू कैन टेक एनी ऑफ द बेस, बट एसिड हमेशा क्या होगा, सेम होगा. समझ आई मेरी बात कि नहीं? तो जितने सारे आपको लिखने हैं वो आप लिख सकते हैं कि नहीं? राइट डाउन द प्रोडक्ट्स, नाइट्रेट सॉल्ट, फैमिली ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट्स. क्या लिखेंगे आप, ये क्या हो जाएगा, CaNO3 होल ट्वाइस, NaNO3 होल ट्वाइस, सॉरी होल ट्वाइस, KNO3. व्हाट एम आई राइटिंग, सॉरी आई एम सॉरी. व्हाई? क्योंकि दोनों की बैलेंस सेम है. ओके, अल्मोनियम नाइट्रेट AlNO3 यहाँ होगा होल थ्राइस, क्योंकि अल्मोनियम की बैलेंस तीन है. अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 एंड H2O तो सब में बनना ही है, इसको तो कोई मतलब नहीं है ना भाई. आपको H+ और OH- मिलके बना दिया H2O. ये सारे के सारे क्या हो गए, सॉल्ट्स हो गए, और ये बिलोंग्स टू दी नाइट्रेट सॉल्ट्स को बोलेंगे फैमिली ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट्स. तो कोई एक फैमिली का सॉल्ट में अगर आपका एनायन के साथ है, एनायन मतलब जो नाइट्रेट, दिस इज एनायन. अगर एनायन फैमिली की हम बात करेंगे तो उसमें एसिड सेम होगा, और कैटायन फैमिली की बात करेंगे तो उसमें बेस सेम होगा. समझ में आई बात? फॉर फैमिली ऑफ एनायन सॉल्ट्स, समझे, ऑलवेज सेम एसिड इज यूज्ड. ओके, दूसरा फॉर फैमिली ऑफ कैटायन सॉल्ट, कैटायन सॉल्ट का मतलब जो कैटायन है वो सेम है सब में. रिमेंबर दिस, इसमें क्या होगा, ऑलवेज सेम बेस इज यूज. आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू. क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया क्लियर? ओके, चलिए नाउ लेट्स इरेज दिस. नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम ऑफ द सॉल्ट्स एंड यू हैव टू टेल मी कौन सा उसमें एसिड है और कौन सा उसमें बेस है. ओके ओके, चलिए I am going to write sodium chlorate. This is your sodium chlorate. Okay. अब आपको बताना है कि इसमें एसिड कौन सा है और बेस कौन. This is a salt. इसका नाम है सोडियम क्लोरेट. मैं एक लिख रहा हूं सोडियम ब्रोमाइड NaBr. इसमें कौन सा एसिड कौन सा बेस यूज हुआ है, इसमें कौन सा एसिड कौन सा बेस यूज हुआ है. तो इसका एसिड लिखना है आपको और बेस लिखना है. इसी तरह से इसका भी एसिड लिखना है. इस तरह के सवाल आते हैं, इसका बेस लिखना है. चलिए बताएं जल्दी जल्दी, सोचें ज़रा ज़रा सोच लें, ज़रा सोच लें. तो एसिड जो इसमें होगा, जाहिर सी बात हम कहाँ से क्लू लेंगे, एनायन से. कहाँ से, एनायन से. एनायन इज क्लोरेट.
अब क्लोरेट कहाँ से आता होगा जरा सोचें, पर क्लोरिक एसिड HClO4, यहाँ से ClO4 माइनस वहाँ गया। और बेस कहाँ से आया मेरे भाई, बेस आया NaOH, NaOH से Na, और यहाँ से Cl क्या गया HClO4 माइनस, यहाँ से ClO4 माइनस देख सकते हैं आप, और यहाँ से Na प्लस। तो आप किसी सॉल्ट को देख के उसमें प्रेजेंट एसिड, कौन सा एसिड और कौन सा बेस, पैरेंट एसिड और पैरेंट बेस, इसको आप बोल सकते हैं पैरेंट एसिड, इसको बोल सकते हैं पैरेंट बेस। ओके, हमेशा सॉल्ट कहाँ से आता है, एसिड और बेस से आता है। यहाँ भी आप लिखे हैं पैरेंट एसिड। ऐसे सवाल बनते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे इसको बड़े हल्के में लेते हैं, मैं इसको हल्के में लेने के फेवर में नहीं हूँ। यू कान टेक दीज थिंग्स वेरी ईजीली, आप इसको सीरियसली करें। देख सकते हैं, तो इसका नाम, इस एसिड का नाम आपको पता है परक्लोरिक एसिड। अब इसका पैरेंट एसिड क्या होगा, Br मतलब HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, पैरेंट बेस Na मतलब NaOH। अब इन दोनों में क्या सेम है, Na सेम है, मतलब ये दोनों सॉल्ट क्या है, फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। समझ पाए मेरी बात, तो कैन यू कैटेगराइज गिवन सॉल्ट्स इन देयर रेस्पेक्टिव फैमिलीज, यस। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू आइडेंटिफाई देयर कैटायंस एंड एनायंस। इफ दे हैव सेम कैटायंस दे बिलोंग्स टू द सेम कैटायनिक सॉल्ट्स, इफ दे हैव सेम एनायंस दे बिलोंग्स टू द सेम एनायनिक सॉल्ट्स। अगर सेम कैटायन है मतलब सेम बेस से बन रहा है, अगर सेम एनायंस है मतलब सेम एसिड से बन रहा है। आई थिंक दिस इज फेयर इनफ फॉर यू ऑल नाउ, आई थिंक ये समझ आ गया आपको। चले थोड़ा सांस लेते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं। अच्छा बताएं, समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा, समझ में पक्का समझ आ रहा है, समझना तो जरूरी है। चले मूविंग अहेड, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। अब हमें पता करना है नेचर ऑफ सॉल्ट, क्या पता करना है, नेचर ऑफ सॉल्ट, नेचर ऑफ सॉल्ट। फैमिली तो पता चल गया, अब सॉल्ट्स के नेचर को हम लोग पता करेंगे, यानी कि हम बात करना चाह रहे हैं पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस, किसी सॉल्ट के सॉल्यूशंस का पीएच क्या होगा। किसी किसी किताब में सिर्फ इसको लिखता है पीएच ऑफ सॉल्ट। ओके, देखते हैं, बात करते हैं हम लोग कि किसी सॉल्ट के नेचर को पता कैसे किया जाए। तो अगेन आई एम गोइंग टू राइट एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर बोर कर रहे हैं आप सर, लेकिन ये बोरिंग वाली बात नहीं है। जब भी किसी सॉल्ट के नेचर को आपको पता करना है तो ये सॉल्ट जो है ना, दिस इज़ वेरी वेरी अजीब है, इसमें तीनों नेचर हो सकता है। इट कैन बी न्यूट्रल, इट कैन बी न्यूट्रल, इट कैन बी एसिडिक, इट कैन बी बेसिक। ये डिपेंड किस पर करेगा, ये सब के सब डिपेंड किस पर करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस यूज्ड। ठीक है, कोई भी सॉल्ट बनने के लिए, कोई भी सॉल्ट बनने के लिए एसिड चाहिए एंड यू नीड बेस। ओके, एसिड और बेस को रिएक्ट कराए, सॉल्ट बन गया। दिस सॉल्ट कैन बी एसिडिक, दिस सॉल्ट कैन बी न्यूट्रल, दिस सॉल्ट कैन बी बेसिक। नाउ हाउ वुड यू आइडेंटिफाई दिस, you need to know the strength of acid and base. That is why I was teaching you strength of acid and base. बहुत ही अच्छे से, बहुत ही उस पर फोकस करते हुए मैं आपको पढ़ा रहा था। अगर आपको स्ट्रेंथ पता है कि स्ट्रांग है या वीक है, यू कैन टेल कि उसका पीएच क्या होगा या फिर उसका नेचर क्या होगा। नेचर पता है तो पीएच पता है, पीएच पता है तो नेचर पता है, यही ना भाई। पीएच 7 से कम, एसिडिक पीएच 7, न्यूट्रल पीएच 7 से ज़्यादा, बेसिक, इसमें कोई बात है, आसान है ना भाई, केमिस्ट्री आसान है, बस लिखने में, जब प्रैक्टिकल करेंगे
पता चलेगा आपको। तो अगर ये एसिड, अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये बेस भी स्ट्रॉन्ग है, अब जब मैं स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड लिखता हूँ, इससे क्या मेरा मकसद है? कैन यू टेल मी माई मकसद, व्हाट आई मीन टू से? जल्दी जल्दी सोचें, ज़रा सोचें। स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग बेस 100% आयनाइजेशन। अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग, आई थिंक मैंने कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन भी किया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? लेस, लिटिल वाटर सॉल्युबल, लिटिल वाटर सॉल्युबल बट आयोनाइजेज 100%। मान लेते हैं इसके 50 ग्राम को आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो 10 ग्राम डिसॉल्व हुआ, 40 ग्राम डिसॉल्व नहीं हुआ, वो सेटल डाउन हो गया, वो बन गया आपका स्लैग्ड लाइम, और ये आपका बन गया लाइम वाटर। तो जो लाइम वाटर बना रहा है वो 100% आयोनाइज हो जाता है, यानी कि जितने उसके फॉर्मूलाज डिसॉल्व होते हैं वो 100% आयोनाइज हो जाता है, और 100% आयोनाइज होने वाले को आप स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में रखेंगे, सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं रखेंगे। सॉल्युबल हो ही ना तो उसमें स्ट्रेंथ की बात ही नहीं करेंगे, अगर कुछ सॉल्युबिलिटी आ गई और जितना डिसॉल्व हो रहा है वो 100% आयोनाइज हो रहा है तो इसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में रखेंगे। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, रिमेंबर दिस। ओके, अब एक स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से जब रिएक्ट कराएंगे, ये भी 100% आयोनाइज हो गया, ये भी 100% आयोनाइज हो गया, तो आपको जो सॉल्ट मिलेगा ये हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट होगा, एन आपको H2O तो मिलना ही। समझ आई मेरी बात कि नहीं? न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब इसका pH इक्वल्स टू 7। समझ पाए मेरी बात? अब लेट्स टेक द एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब आप स्ट्रॉन्ग एसिड सोचें, कितना बढ़िया स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, इससे खूबसूरत कोई एसिड है? HCl। रिमेंबर, रिएक्शन हमेशा किस मीडियम में होगा? एक्वस। और एसिड और बेस को हमेशा कैसा लिया जाता है? डाइल्यूट। तो अगर आप एक्वस नहीं लिखते हैं तो यू कैन राइट डाइल्यूट, डाइल्यूट, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट बेस, हमेशा ऐसे ही रिएक्शंस होते हैं। NaOH, दिस मस्ट बी एक्वस, एंड यू गेट NaCl। तो NaCl ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, ये कैसा सॉल्ट हो गया? न्यूट्रल सॉल्ट हो गया, सोडियम क्लोराइड। उसी तरह से और स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं H2SO4। हम दो दो एग्जांपल्स लेके आपको मामला करेंगे ख़त्म, सो दैट वी कैन प्रोसीड क्विकली। चलिए इसी को ले लेते हैं ताकि हमारा झमेला ही ख़त्म हो जाए। क्या हो जाए? झमेला ख़त्म। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या हो जाएगा मेरा? CaSO4। ओके, दिस ऑल्सो एक्वस एंड दिस ऑल्सो एक्वस, जहाँ तक मेरी याददाश्त का सवाल है, और H2O तो बन नहीं। ये H2O क्या है भाई? लिक्विड है। तो ये दोनों सॉल्ट कैल्शियम सल्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, इसका pH क्या होगा? 7 होगा, मतलब ये न्यूट्रल सॉल्ट है। ओके, अब मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोच रहा हूँ दिमाग में, और मैं यहाँ सॉल्ट लिख रहा हूँ, है ना? आप क्या बोलेंगे कि वो क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ NaNO3। इसमें नाइट्रेट है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये जो सॉल्ट होगा ये भी क्या होगा? न्यूट्रल होगा, NaNO3। समझ पाए मेरी बात? उसी तरह से KNO3, उसी तरह से Na2SO4, उसी तरह से NaCl तो हो गया, तो KCl लिख सकते हैं आप, CaCl2 लिख सकते हैं। तो दीज आर दी सॉल्ट, ये सब के सब क्या हैं? न्यूट्रल सॉल्ट हैं। क्यों? क्योंकि इसका एसिड और बेस दोनों के दोनों क्या हैं? स्ट्रॉन्ग हैं। तो इन सब में जो एसिड और बेस प्रेजेंट है, यू कैन राइट देयर फॉर्मूले, इस तरह से लिख सकते हैं आप। आई थिंक दिस इज फेयर इनफ फॉर यू नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते जाए, आगे आगे बढ़ते जाए। अब आपको क्या करना है? न्यूट्रल सॉल्ट तो मिल गया, अब सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। एसिडिक कब होगा? एसिडिक कब होगा? जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो, इसको आपने रिएक्ट करा दिया किससे? वीक बेस से।
तो जो आपको सॉल्ट मिलेगा वीक बेस है, क्या है वीक बेस, मतलब इसका आयोनाइजेशन 100% नहीं हो रहा है लेकिन इसका 100% आयोनाइजेशन हो रहा है. स्ट्रॉन्ग एसिड विल गिव राइज टू द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन. ये क्या करेगा, विल गिव लेस नंबर ऑफ ओ एच माइनस आयन. ये कम दे रहा है, ये ज़्यादा दे रहा है, तो जितना दे रहा है उतना तो रिएक्ट कर जाएगा, तो बच कौन जाएगा ये, तो बचेगा कौन, ये बचने का मतलब H प्लस बच जाएगा. H प्लस अगर किसी सॉल्यूशन में हो वो क्या दिखाएगा, एसिडिक शो करेगा ना. तो यू विल गेट एसिडिक सॉल्ट. कैसा सॉल्ट भाई, एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर. के लिए हम लोग तो pH की बात करेंगे ही नहीं. अब ये एसिडिक सॉल्ट है तो इसका pH कितना हुआ, जल्दी जल्दी बताएं, 7 से कम, 7 से कम होगा कि नहीं. एसिडिक सॉल्ट के लिए पीएच 7 से कम हो जाएगा. जब मैं एसिडिक सॉल्ट कहता हूँ ऐसा नहीं कि सॉलिड स्टेट में उसका मैं पीएच निकालता हूँ, सॉल्यूशन के फॉर्म में. पीएच हमेशा किसके फॉर्म में निकाला जाता है, उसके सॉल्यूशन के फॉर्म में. कलर चेंज आना पड़ेगा ना, और आपको पता है कलर चेंज कब आ सकता है, जब उसको आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन के फॉर्म में लाएंगे. एग्जाम्पल्स, बिना एग्जाम्पल्स के क्या समझ आती है केमिस्ट्री, नहीं भाई. स्ट्रॉन्ग एसिड HCl. अब मैं एक्वस नहीं लिखूंगा. वीक बेस Mg ओ एच होल ट्वाइस, दिस इज द वीक बेस. क्या बनेगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड. क्या हो गया, एसिडिक सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड एसिडिक सॉल्ट हो गया. वाटर H2O. और मैं लाता हूँ वीक बेस अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ वीक बेस. अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ वीक बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड को मैं बदल देता हूँ, HCl तो बार बार ले रहा हूँ मैं, तो कैनराइट HI, ओके. हाइड्रोआयोडिक एसिड कैनराइट H2SO4, ओके, नो वरीज. सल्फ्यूरिक एसिड, चलिए क्या बन जाएगा, जल्दी बताएं. AlI के साथ क्या बनेगा, AlI3 अल्मोनियम आयोडाइड. अब ये सॉल्युबल है इनसॉल्युबल आप पता कर लें. NH4 सल्फेट के साथ, तो क्या बनाएगा, NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस H2O प्लस H2O. तो ये सारे सॉल्ट्स क्या हो गए, एसिडिक सॉल्ट्स. क्योंकि हम एग्जांपल्स लिख रहे हैं तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं. कैन यू गिव मोर एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक सॉल्ट्स, इफ़ यू कैन राइट प्लीज़ राइट डाउन, कम से कम और लिखें आप, ये आपका भी तो काम है, सिर्फ मैं ही सब कुछ कर दूं. चले, अब आपको पूरा पैटर्न समझ आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस से रिएक्ट कराए तो एसिडिक सॉल्ट क्यों बना, क्योंकि H प्लस आयन बच गए. समझ गए मेरी बात. अब आपको बेसिक सॉल्ट कब मिलेगा, अब आपको पूरा का पूरा सीन आ गया समझ में. समझ गए तो क्या मैं नहीं लिखूंगा, क्या चाहते हैं आप, छोड़ दूं, नहीं छोड़ूंगा भाई. अब आप लेंगे वीक एसिड, क्या लेंगे, वीक एसिड. व्हेन आई से वीक एसिड मतलब गिव्स लेस नंबर ऑफ एच प्लस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, मोर नंबर ऑफ ओएच माइनस आयन. आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो मिलेगा बेसिक सॉल्ट प्लस क्या होगा, जल्दी बताएं, प्लस वाटर. वाटर है ना जी. बेसिक सॉल्ट का मतलब pH कितना होगा, pH इज ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7, 7 से ज़्यादा pH होगा. एग्जाम्पल, वीक एसिड कितने अच्छे अच्छे वीक एसिड है ना, CH3COOH, क्या नाम है, एसिटिक एसिड. इसका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा रहा है KOH, राइट डाउन द प्रोडक्ट. और दूसरा वीक एसिड लूँ मैं H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इसका रिएक्शन मैंने करा दिया NaOH के साथ, ओके. लिथियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग बेस. चलिए तीन ही लेते हैं, और कोई बेस लेते हैं, नाइट्रस लेते हैं, HNO2, दिस इज नाइट्रस एसिड, ठीक है. अब रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट लिख लिए क्या आप लोग, मोस्ट ऑफ यू लिख लिए होंगे. चलिए तब भी मैं क्या लिखता हूँ, देखें CH3COOK, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, पोटाशियम एसीटेट, इसको आप बोलेंगे पोटाशियम एसीटेट, ओके. दिस इज व्हाट काइंड ऑफ बेस, सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ओके, बेसिक सॉल्ट, ठीक है, प्लस H2O.
क्या बनेगा Na3PO4 बेसिक सोडियम फॉस्फेट बेसिक सॉल्ट। यहाँ क्या हो गया LiNO2 ठीक है सोडियम नाइट्राइट लिथियम नाइट इसका नाम क्या होगा लिथियम नाइट्राइट। देखें अस वाला से आइट बनेगा समझ गए मेरी बात। मतलब अगर आपके पास अस वाला एसिड है नाइट्रस अगर नाइट्रिक एसिड होता तो लिथियम नाइट्रेट बनता LiNO3 यहाँ लेकिन नाइट्रस एसिड है इसीलिए यहाँ नाइट्राइट बनेगा। ये नोमेनक्लेचर है एसिड बेस और सॉल्ट का H2O ये सब क्या हो गया बेसिक सॉल्ट। तो आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट। अब मैं इस पर फर्दर बात नहीं करूँगा तो इसमें कॉमन बातें आपको समझ आनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा आई थिंक दैट वुड बी द लास्ट क्लास और उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सोडियम क्लोराइड के बारे में विच इज़ अ कॉमन सॉल्ट और इससे बनने वाले केमिकल्स ठीक है यानी कि वो हमारे केमिकल्स से रिलेटेड कुछ ऐसे केमिकल्स जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं उन केमिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और वो केमिकल्स कैसे बनाए जाते हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं दैट वुड बी आवर लास्ट लेक्चर। आई थिंक यू हैव इन्जॉयड दिस लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट और अगर आपके कोई दोस्त हैं जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को पढ़ना चाहते हैं आप उससे शेयर करें और हमारे अकबर क्लासेस के चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहें। Thank you very much for joining us.